आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बाई अ पॉलिनोमियल gx। इस पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल gx से डिवाइड करने पर द क्वोशंट एंड रिमाइंडर वर x माइनस 2 एंड 2 माइनस 2x प्लस 4। क्वोशंट आ जाता है ये और रिमाइंडर रह जाता है ये। इसको डिवाइड करने से किसी पॉलिनोमियल जी एक्स से तो हमें जो है वो फाइंड जी एक्स, वो जी एक्स पॉलिनोमियल हमें निकालना है। तो यहां पर हम जो है वो डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये सब आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। ये डिवीजन एल्गोरिथम आ गया। अब डिविडेंड की जगह पर जो है वो हम पॉलिनोमियल लग देंगे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू डिवाइजर, हमें निकालना है जी एक्स कि किससे डिवाइड करा गया, तो इसे जी एक्स रख देंगे मल्टीप्लाइड बाय कोशंट, कोशंट है एक्स माइनस 2 और प्लस रिमाइंडर माइनस 2x प्लस 4, ये रिमाइंडर की जगह रख देंगे। तो ये ऐसे हमारा बन के आ जाएगा इक्वेशन। अब यहां से जब इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का 2x प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 2x और माइनस का 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 और ये आ जाएगा प्लस का 2x और माइनस का 4। इसे इधर ट्रांसपोज कर लेंगे इक्वल टू यहां पर एक्स माइनस 2 और मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स, ठीक है। अब जी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको ट्रांसपोज करके इसके नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा जी एक्स इक्वल टू पूरा पॉलिनोमियल और एक्स माइनस 2, ठीक है। मैंने दोबारा नहीं लिखा इसे, इसको यहां से नीचे ट्रांसपोज कर लेंगे, आप लोग लिख लेना। तो यहां पर हम इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे 2x प्लस एक्स 3x हो जाएगा तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x 3x माइनस 4 प्लस 2 प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 गया 2 माइनस का 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 इक्वल टू ये वाला जी एक्स, ठीक है। अब ये जी एक्स निकल कर आ जाएगा जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहां तक जो है वो आप उतार लें, मैं इसको रब कर दूंगा, उसके बाद फिर यहां पर जो है वो लॉन्ग डिवीजन से हम इसे करेंगे। यहां पर जो है वो हम इसको अब डिवाइड करते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, ठीक है। अब यहां पर एक्स क्यूब चाहिए, यहां पर खाली x है तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा और लाइन खींच देंगे। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये आपस में कैंसिल हो गए, प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 गया 1 तो माइनस 1x स्क्वायर या एक्स स्क्वायर बचा प्लस 3x माइनस 2 बचा। उसके बाद ये x है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहां पर माइनस x लगा देंगे, प्लस माइनस माइनस x इंटू एक्स माइनस का x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स 2x माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे यहां पर तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, साइन चेंज, ये कट गए आपस में, 3 में से 2 गया, बचा खाली प्लस का x और माइनस का 2, ऐसे ही उतर आया। अब x माइनस 2 और x माइनस 2 चाहिए तो यहां पे प्लस का 1 कर देंगे और 1 से मल्टीप्लाई करके यहां x माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे साइन चेंज करा, यहां पे साइन चेंज करा, ये कट गया, ये कट गया, आ गया 0, ठीक है। तो हमारा जो है वो जी एक्स क्या निकल कर आया, डिवाइजर, हमारा डिवाइजर निकल कर आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 वो पॉलिनोमियल, वो डिवाइजर निकल कर आया जिससे अगर हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 को, तो हमारा जो है वो क्वोशंट आता है x माइनस 2 और रिमाइंडर आता है माइनस 2x प्लस 4, तो आंसर विल बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरा होता है। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।